मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ओके हाँ मिस्टर, अभी अभी माइक बंद कर रखना, अभी हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे, सभी लोग अपने अपने डाउट सभी लोग पूछेंगे। माइक बंद कर दो अभी। चलो, यस, अभी आप सबको पता है कि हम लोग का क्लास जो है वो तो कल से स्टार्ट होने वाला है, तो फिर आज हम लोग ऐसे क्यों मीटिंग कर रहे हैं? तो ये मीटिंग हम लोग जनरली लगभग लगभग हर एक अपने एक हफ्ते में एक ऐसी मीटिंग्स हमारी होती रहेंगी, ठीक है, अभी भी हो रही है और आगे भी होती रहेंगी, जिसमें किसी मीटिंग में हमारा इंटरव्यू डिस्कशन होगा, किसी मीटिंग में हम लोग मॉक इंटरव्यू देंगे, किसी मीटिंग में हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की आपको अभी एग्जैक्टली किस में प्रॉब्लम आ रही है, आप सोचो कि आपका कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि यार ये वाला एरिया भी मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, ऐसे सबके रीजंस होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक वीक में एक बार ऐसी जरूर मीटिंग करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और क्या हमें ठीक कर लेना चाहिए। देखो क्या होता है, नो वन इज परफेक्ट, बट अगर हम लोग एक छोटे 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 स्टेप्स को क्या करने लगे, स्ट्रॉन्ग करने लगे, अगर मैं बोलूँ कि आलम से या फिर कमल से या फिर रशिका से, सबके पास कुछ ना कुछ तो वीकनेसेस होंगी। अब अगर ये वीकनेसेस को हम लोग क्या करें कि स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए इनको परफेक्ट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जनरली किसी के वीकनेस हो सकता है कम्युनिकेशन, परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे, देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, कोई क्लास नहीं लेने वाले, हम लोग क्या क्या हम लोग करने वाले हैं आगे और कैसे कैसे करने वाले हैं उसके बारे में जैसे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हमें क्लास के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी क्लासेस होंगी गाइस वो होंगी यूनिक सिविल ऐप पर होंगी, ठीक है, ऐप पर ही हमारी पूरी क्लासेस चलेंगी। और वहां पर मैं आपको बता दूंगा अभी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कि कैसे बैच में अप्लाई करना है आपको, और जिसको कुछ प्रॉब्लम आएगी मुझे डीएम कर देना कि सर मैं ऐड नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहे हूँ, तो मैं खुद से भी ऐड कर दूंगा। बट आई थिंक कि बहुत स्मॉल स्टेप है कैसे ऐप पर ऐड होना है, आज आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजूंगा, उसको देख के सेम स्टेप्स में आप लोग बैच के अंदर आ जाओगे ऐप ऐप में। जो नहीं ऐड हो पाओगे, कुछ लगता है कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहे हूँ, मुझे बता देना, मैं उनको अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा, ठीक है। पहला काम तो ये है कि हमको डेली बैच पे करना है। दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गाइस कि आप सबको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, ठीक है। देखो इसका जो अपना गुरुकुल का सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, वो कंसिस्टेंसी है। तो आज से ही फॉर श्योर कर लो कि कुछ भी हो, ठीक है, बारिश भी आएगी ना तो भी देखो मैं कैसे इंसान हूँ, मैं तो एक्टिव रहूंगा, ठीक है। कुछ भी हो हमें रेगुलर रहना है, ठीक है, हमें कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। अगर वो ब्रेक किए ना तो स्टार्टिंग में आप एक जगह ब्रेक करोगे तो ये कुछ उसी तरीके से जैसे आप वाटर टैंक पे देखा होगा स्टेयर्स लगी होती हैं, तो कभी कभी देखा होगा कि एक स्टेयर बीच में निकल गई तो क्या हो गया, अभी जब चढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है कि एक स्टेयर को क्रॉस करके तब चढ़ना पड़ता है, फिर क्या हुआ, फिर से एक स्टेयर टूट गई, फिर तीन से स्टेयर टूट गई, फिर चार स्टेयर टूट गई, फिर आपको ये फील होने लगेगा यार ये तो खराब हो गया सारा काम ही, पूरा ऑटोकैड ही चला गया हमारे हाथ से, ठीक है। फिर ऐसे क्या होगा, अब आपकी हैबिट में आ गई चले जाने की, तो सेम चीज आपका क्या होगा, स्टेटरूम में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, सेम आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आज से अभी से आपको कंसिस्टेंसी का फुल प्रैक्टिस करना है। तो उसका प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, तरीका ये है, आपको भी मैं टाइम दूंगा कि आप भी अपने क्वेश्चंस डाउट्स जो भी रहेंगे ना पूछ सकते हो, माइंड में रख लो, लिख के रख सकते हो, और मैं भी लिख के रखता हूँ तो पूछ लेना। तो अभी हमें क्या करना है कि डेली क्लास करना है एनी हाउ, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्टिव हो, मतलब कि ग्रेट तरीके से, लेकिन एक होता है ना कि राहुल द्रविड़ को आपने देखा होगा, काफी अच्छा उनका करियर रहा है, तो वो बहुत अच्छे से स्लो स्लो ही गए, बट उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ गए, और आज राहुल द्रविड़ का नाम है, उनके साथ वाले बहुत से प्लेयर्स को लोग भूल गए बट उनका नाम है, रीजन कंसिस्टेंसी। तो हमें सचिन सर से कितना अच्छा कंसिस्टेंसी सीख सकते हो, डेली प्रैक्टिस करना है तो करना है, ठीक है। ओके, तो हमें इस तरीके से डेली प्रैक्टिस करना है अपने क्लासेस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे विदाउट एनी ब्रेक, ब्रेक नहीं लेंगे, 3-4 महीने के लिए ब्रेक नहीं लेते हैं, बाकी फ्यूचर तो हमारा अच्छा ही होने वाला है। आई थिंक जसप्रीत बार बार आ रहे हैं, उनके साथ नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज हम लोग क्या करेंगे, मैं आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर होने चाहिए, ठीक है, आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जैसे कि अभी बेसिक सॉफ्टवेयर आपके पास ऑटो कैड होना चाहिए, ऑटो कैड का कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर मेरे से पूछोगे तो ऑटो कैड 2020 अच्छा रन कर रहा है इसमें, और मतलब की स्पीड भी उसकी अच्छी है, तो आई सजेस्ट कि ऑटो कैड 2020 करो। कैसे करना है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे बता भी दूंगा कि उसको रिकॉर्ड लाइक इंस्टॉल कैसे करना है, वो भी बता दूंगा मैं। होप सो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके बाद भी आएगी तो आई एम विथ यू, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे, कंसिस्टेंसी से करेंगे, ये नहीं कि शुरू के एक हफ्ते किया फिर परफॉर्मेंस कम कर देंगे, नहीं,
परफॉर्मेंस एक हफ्ते बाद और बढ़ाएंगे, उसके एक हफ्ते बाद और बढ़ाएंगे, ऐसा आपको करना है। मेरी भी परफॉर्मेंस आप देखोगे टाइम टू टाइम बढ़ेगी, घटने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कंसिस्टेंसी को फॉलो कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि डेफिनेटली जैसे हम लोग ऑटोकैड सीख रहे हैं या फिर जो भी सीख रहे हैं, ठीक है, इनको हमें टाइम टू टाइम अपने रिज्यूमे के अंदर अपडेट करना है। क्या करना है, टाइम टू टाइम हमें अपने रिज्यूमे के अंदर अपडेट करना है कि अच्छा ठीक है, अभी हमने ऑटोकैड सीख लिया तो हमारा ऑटोकैड परफेक्ट है क्या। तो हमारे पास रिज्यूमे बहुत ही लाइक ऐसे होंगे ना कि आपके पास जो रिज्यूमे होंगे वो शायद वो परफेक्ट नहीं होंगे, शायद वो परफेक्ट नहीं होंगे रिज्यूमे। तो मैं आपको रिज्यूमे का सैंपल्स दूंगा कि देखो ये रिज्यूमे का सैंपल्स है, इसके अकॉर्डिंग आपको सीवी को क्या बोलते हैं ठीक करना है। हो सकता है कि आपका सीवी जो हो थोड़ा सा आउटडेटेड हो, या फिर हो सकता है बहुत अच्छा भी हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं रिज्यूमे दूंगा वो रिज्यूमे एटीएस सॉफ्टवेयर होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि एटीएस सॉफ्टवेयर से शॉर्ट लिस्टिंग होती है आपके रिज्यूमे की। तो क्या बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको चलना है तो वो सीवी फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको सीवी शेयर करूंगा सैंपल्स, एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग करूंगा, फ्रेशर्स के लिए अलग करूंगा, आपको सेम टू सेम आपको आज ही मिल जाएगा सब कुछ, सेम टू सेम आपको एडिट करना है और 2 दिन के बाद आपको सबमिट करना है। आपके मैं रिज्यूमेस देखूंगा, फिर उसमें जो चेंजिंग रहेगी फिर से करेंगे। टोटल पूरे ट्रेनिंग में करीब करीब 15 से 20 बार अपने रिज्यूमे को एडिट करेंगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि सामने वाले की जैसी रिज्यूमे जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा हमें रिज्यूमे शेयर करना पड़ेगा। आप लोग कई जगहों पर अप्लाई करते होगे, देखते होगे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा है, परेशान हो रहे हो। अब रीजन पता है क्या है, रीजन यह है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए प्योर वेजिटेरियन खाना, ठीक है, और तुम बोल रहे हो कि मुझे चिकन टिक्का बहुत अच्छे से बनाना आता है, मुझे चिकन बिरयानी बहुत अच्छे से बनाना आता है, ठीक है, डेफिनेटली तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या थी कि एक सिंपल खाना बनाना आना चाहिए था तुमको, सब्जी रोटी दाल चावल बनाना आना चाहिए था, और तुमको आते हैं बड़े बड़े चीजें, वो चीजें आती ही नहीं जो मेरे काम की है। और अगर मान लो कि मुझे वेजिटेरियन नहीं नॉन वेजिटेरियन खाना मैं देख रहा हूँ, लुकिंग फॉर नॉन वेजिटेरियन कुक, और तुमने अपने रिज्यूम में लिख रखा है कि मैं शाही पनीर बहुत अच्छा बनाता हूँ, मटर पनीर बहुत अच्छा बनाता हूँ, और राजमा चावल बहुत अच्छा बनाता हूँ, ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, तो ये सारी चीजें तुमने अपने रिज्यूम में मेंशन कर रखा है, लेकिन अब वो चीजें हमारे काम की नहीं है ना, क्योंकि हम तो नॉन वेजिटेरियन कुक देख रहे हैं। तो हमें देखना पड़ता है कंपनी क्या चाहती है, क्या हम वैसे कर रहे हैं क्या, अगर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो कर लेंगे, ये हम सबको रखना है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग को जैसे कि अभी हम लोग डेफिनेटली अभी ट्रेनिंग में हुए थे, तो एक चीज का प्रयास करना है आप सबको कि हमें डेली क्लास को टाइम पर ज्वाइन करना है, ठीक है। टाइमिंग पर अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपके जैसे कुछ पॉइंट्स मिस हो गए तो आगे का हो सकता है पूरा लेक्चर ही समझ में ना आए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में आप सबको पता है ना कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम होता है। स्टैट प्रो में अगर लोडिंग का आपने मिस कर दिया, ठीक है, आप एनालिसिस आप क्या करोगे एनालिसिस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्यूरेट टाइम पर 9 मतलब 9, ठीक है, 9:01 नहीं, ठीक है, 9:59 हो सकता है, 8:59 हो सकता है, ठीक है, 1 दिन 1 मिनट पहले हो सकता है, 1 मिनट बाद, हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा प्रयास करना है। हाँ कोई इमरजेंसी है, कोई जॉब वगैरह का प्रॉब्लम है तो आई विल मैनेज, डोंट वरी, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि इसको हम लोग कर सकते हैं। अब तुम्हारे भी दिमाग में कुछ 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 क्वेश्चन आ रहे होंगे एक एक करके। अभी क्लास नहीं चल रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करूंगा, फ्रेंडली इन द सेंस कि आप भी समझ पाओ कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उनको हम लोग कैसे रिमूव कर पाएंगे। इसके लिए एक एक करके आपके जो डाउट्स हैं पूछ सकते हो कि सर मुझे कुछ ये जानना था, या फिर क्या बोलते हैं मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे क्या कुछ अलग करना चाहिए क्या। तो मैं एक एक करके सबसे 2 2 मिनट बात करना चाहूंगा, और उसके बाद तो डेफिनेटली कल से क्लास चलेगी तो आप लोग रेगुलर ही रहने वाले हो, ठीक है। नाउ स्टार्ट विथ आलम। आलम अपना माइक ऑन कर लेना। आलम आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा मुझे ना मतलब कि कैसे होता है कि मैं इंडिविजुअल सब पे काम करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना कि अभी एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, कब पास आउट हो। सर मैं 2020 में पास आउट हुआ हूँ, अभी तो सर कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके ग्रेट, तो 2020 में पास हुए तो कर ये कर लिया ना, एक एक अचीवमेंट हो गई। अब इसके बाद तुमने ऑटोकैड इंस्टॉल कर रखा है? ऑटोकैड इंस्टॉल कर रखा है क्या तुमने अलग? यस सर, सब ऑटो कैड स्टेट प्रो ई टैब सारा कुछ इंस्टॉल कर रखा सर। वेरी गुड, तब तो कोई यस टेंशन सर, नहीं, तुम तो ऑल इन वन के स्टूडेंट हो, राइट? ठीक है, यस तो सर, यस सर। ओके चलेगा। तो मुझे क्या करना है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो दिक्कत ही नहीं है तुम्हारे साथ कुछ। अब तुमको क्या करना है, कल से तुम्हें कुछ कोई डाउट है तो पूछ लो अभी फटाफट। कुछ डाउट है तुमको? यस सर, डाउट है सर,
ये सर वो जो वर्कबुक है ना सर, मैकेनिकल हाँ वाला और सिविल वाला, हाँ तो उसमें सर बहुत सारा जो ड्राइंग है वो मेरे से बन नहीं पा रहा है। वो अभी यहाँ पर बनवाने वाले हैं क्लास के अंदर, ठीक है, वो सब तो होने वाला है। यस वो डाउट नहीं, मतलब कि क्लास के रिलेटेड कुछ डाउट है क्या, ऐसा मैं बोला। नहीं, नहीं, उसके रिलेटेड कोई डाउट नहीं है ओ सर। ओके गुड, चलेगा। यस माइक बंद कर दो, अभी मैं थोड़े से कमल से बात करूंगा। कमल सिंधु, कमल अपना माइक ऑन कर लेना। नो, नेक्स्ट कमल के बाद रसिका से करेंगे। कमल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी आपके पास ऑटो कैड है? नहीं सर, मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया है। आपका मास्टर्स कंप्लीट हुआ 22 में, राइट? हाँ जी सर। ओके, ठीक है। तो अभी क्या बोलते हैं, अभी कोई सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, बट सॉफ्टवेयर मतलब कि जरूरत, अभी यूज भी नहीं किया ना कोई सॉफ्टवेयर? हाँ जी सर, कोई नहीं यूज़ किया। ओके गुड, चलेगा। तो आप मतलब कुल मिला के एक तरीके से फ्रेशर ही हो, तो आपको जो रिज्यूमे मिलेगा वो फ्रेशर्स का मिलेगा, वैसा ही रिज्यूमे आपको एडिट करके 2 दिन के अंदर सबमिट करना रहेगा, ठीक है? ओके सर। चलेगा, चलो ठीक है भाई। और कुछ तुम्हें कोई डाउट है तो बोलो, क्लास के रिलेटेड कुछ डाउट, ऐसा लगता है कि सर ये चीज़ बता दीजिए क्या करने वाले हैं हम लोग, ऐसा कुछ है? नहीं सर, डाउट तो कोई नहीं है अभी। ओके चलेगा, चलो ठीक है फिर। अब ये माइक बंद कर दो, बस इतना ही मुझे जानना था कि तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है। क्योंकि देखो कैसे होगा कि हमको पता होना चाहिए ना कि किस स्टूडेंट का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। हो सकता है कि तुम्हारा कोई चीज़ बहुत अच्छा हो, ठीक है, अभी जैसे तुमने मास्टर्स किया है उसके बाद तुम फ्रेशर हो, तो मुझे उस हिसाब से हमें एक एक करके काम करना पड़ेगा, इसलिए जानना जरूरी है। चलो ठीक है, गुड, ओके। नाउ रशिका, माइक ऑन कर लेना आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रशिका आप कहाँ से हो? मुंबई मुंबई से हो रशिका। आपने क्या बोलते हैं, आपका पास आउट ईयर क्या है? 2016। 2016, और उसके बाद आपने जॉब किया हुआ है ना? हाँ, किस फील्ड में? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में फील्ड में काम किया हुआ है। और ऑटो कैड पे काम कर रहे थे आप? हाँ, ओके, और उसके बाद और भी कुछ वहाँ पे यूज करते थे ऑटो कैड के अलावा आप? मैंने कैड सेंटर में भी सीखा है सॉफ्टवेयर्स, ओके, थ्री डी एस मैक्स, रेविट आर्किटेक्चर, नहीं लुमिनॉन। काम किया है क्या? काम नहीं किया है वो सॉफ्टवेयर पे, काम सिर्फ ऑटो कैड स्केचअप पे ही किया है। स्केचअप पे किया हुआ है, चलेगा। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, ऑटो कैड और हाँ स्केचअप आपकी स्ट्रेंथ हो गई। ओके, अभी कुछ डाउट है कि क्लास से रिलेटेड? नहीं, ओके चलेगा, ठीक है रशिका, बस इतना ही मुझे जानना था। क्योंकि मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ कि एग्जैक्टली रशिका के ऊपर क्या काम करना चाहिए, क्योंकि इनको कई सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है, तो हाँ। बस उनमें क्या होगा, अगर इन्हीं पे अगर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी तो नाउ सी विल बी परफेक्ट, ठीक है, ओके ठीक है, चलेगा। ओके ग्रेट। नाउ नेक्स्ट इज नितिन सिंह। नितिन, नितिन सिंह आवाज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नितिन कहाँ से हो आप? सर, मैं बिहार से हूँ सर, पटना। पढ़ना, और रहते कहाँ पे हो? सर पटना में हूँ सर अभी। अच्छा, वहीं रहते ही हो अभी, मुझे लगा कि यस मुंबई वगैरह में रहते हो क्या, या फिर दिल्ली में? कुछ लोग रहते हैं ना वो पटना से, बहुत ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं। नहीं सर, नहीं हाँ, तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? सर, 2020 में पास आउट हुआ सर। ओके, उसके बाद कुछ काम वगैरह किया है? सर अभी गेल इंडिया में सर, करंट में अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ सर। अभी एक गेल में? महीने का इधर का बच रहा है, 15 सितंबर से। आपसे बात ओके, हुई हाँ थी? हाँ पता है ना मुझे। और तुम्हारा दोस्त भी तो आया है कि नहीं? आया सर। ओके चलो, अभी उससे भी मिलेगा। तो क्या बोलते, तुम्हारा ये 2020 में वही अभी इंटर्नशिप हुआ है, उसके बाद तुमने मास्टर्स किया है, बीटेक डिग्री किया है? नो सर, नो डिग्री नो किया सर, हुआ ना, मास्टर्स तो डिग्री किया है ना? नहीं सर, डिग्री किया हूँ। ओके, कोई टेक्निकल नॉलेज है तुम्हारे पास, मतलब कि स्टैट, ऑटोकैड, समथिंग कुछ बेसिक? नो सर, सॉफ्टवेयर्स का तो नॉलेज नहीं है सर। ओके कोई बात नहीं, ओके चलेगा। तो तुम प्रीफर करोगे अपना जॉब लोकेशन तुम्हारा नोएडा, दिल्ली, ऐसे ही हो ना? पुणे, चलेगा, ठीक है। पुणे सर, मेनली पुणे। अच्छा, पुणे आना चाह रहे हो तुम? यस सर, वही से इंजीनियरिंग किया हूँ सर, डीवाई पाटिल कॉलेज। ये वहां लोहे गांव से ना, नो सर, इधर अम्बी। अम्बे से क्या है? ओके चलेगा, पता है मुझे, वैसे डीवाई पाटिल के तो इतने ढेर सारे ब्रांच है कि हर किनारे एक कॉलेज है उसका, ठीक है, थैंक चलेगा, ठीक है नितिन, थैंक यू। और कुछ यू क्लास रिलेटेड कुछ डाउट है तो तुम पूछ सकते हो अपने तरफ से। सर। वही सर, मेरे को 10:30 बजे तक साइट पे जाना होता है सर। अगर मैं कभी क्लास मिस किया तो सर प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? क्लास मिस करना एक बार ओके हो जाएगा, ठीक
ठीक है, लेकिन आपका सिर्फ 1 महीने के लिए, क्योंकि आपने बता रखा है, ठीक है, सर एक और महीने के लिए सर। ठीक है, क्योंकि मैंने रूल बनाया हुआ है कि 1 महीने बाद आपका भी, आपके ऊपर भी, सबके ऊपर होगा, कि मैं सबको पहले क्लियर कर दूं कि आपका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपको तभी असाइन होगा जब 80% आपकी अटेंडेंस रहेगी। क्लास केवल केवल बिल्कुल क्लास का टेंशन मतलब, क्लास हम ज्यादा दिन नहीं चलाते, केवल 5 दिन चलाते हैं, उसमें भी 1 दिन इंटरव्यू वगैरह के लिए डिस्कशन होता है, 4 दिन ही क्लास रहती है। अब 4 दिन में अगर आप कंटिन्यू इनके तक गड़बड़ है, तो हमने ये रूल बनाया हुआ है कि अगर 80% अटेंडेंस नहीं होगा अपने सॉफ्टवेयर में, आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाती है जब आप असाइन होते हो, तो आपको डेली क्या करना है, मतलब कि 80% अटेंडेंस प्लस 80% असाइनमेंट्स, जितना हमने काम दिया है उसका कम से कम 80% काम आपका होना चाहिए। ये दूसरा रूल है। और तीसरा रूल है आपके इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के लिए कि आपको लास्ट में सभी सॉफ्टवेयर पे एक प्रोजेक्ट करके सबमिट करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट करके देना पड़ेगा कि सर मैंने ये स्टैट में किया है, इसी फाइल को ईटैब पर किया है, ऑटोकैड पे किया है, मैनुअल भी इसी के हमने कर रखे हैं। जब आप उसका एक चार्ट बना के हमको पूरा सबमिट करोगे, तब इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मैं 4 महीने का इश्यू करता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें रेडी रखना पड़ेगा, और आई थिंक ये अच्छी चीज है, मतलब कोई पॉजिटिव पॉजिटिव चीज ही है ना। ठीक है, तो कल को कोई भी ये नहीं बोलेगा सर मुझे भी सर्टिफिकेट चाहिए, मैं तो क्या बोलते हैं फीस दिया हूँ, तो फीस मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपका काम। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर, मैं ऐसे भी अभी 1 महीने भी ट्राई करूंगा सर, मैं डेली पहले आने का। देखो ये उसमें क्या हो सकता है कि तुम स्टार्टिंग का जो 1 घंटा हो तो उसमें तो कोशिश कर सकते हो ना कि रेडी हो सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो क्या होता है, इंसान में इतना सुपर पावर है कि अब तुम सोचो कि मैं रात को 1 बजे सो के उठाऊं, ठीक है, सुबह 7:30 बजे मैंने पहली क्लास ले रखी है, 7:30 से 9 हमारी क्लास हो गई, और 9 बजे से तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, इसके बाद एक और क्लास लूंगा, उसके बाद अभी हमारा एक बिल्डिंग का काम चल रहा है, ठीक है, तो उनके पास जाना है, उनसे मिलना है, ठीक है, होप सो अच्छा ही होगा सब कुछ। तो मतलब कुल मिला के जब इतना इंसान बहुत पावरफुल होता है, जितना इसको खींचो ना उतना खींच सकता है ये, तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम 6 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठो, 6 बजे उठ के क्या कर सकते हो कि पहले से रेडी हो जाओ ऑफिस के लिए, एकदम रेडी हो के तब क्लास अटेंड करो, खत्म। ठीक है, और मेरी क्लास ये पक्का है, मान लो कि मेरी क्लास में डेली कुछ नया मिलेगा, और बोर तो होगे ही नहीं, ये तो गारंटी देता हूँ आपको मैं, अगर लर्निंग की हमारे अंदर इंटरेस्ट आ गई तो चलेगा। ओके नाउ अभी ओके अबू जैन, उससे तो इनके बारे में मुझे पता है, इन्होंने अपना काम वगैरह, अबू जैन अपना माइक ऑन कर लेना, लेकिन यहाँ पर बताना आपको थोड़ा सा रहेगा जिससे मैं नोट डाउन कर पाऊँ। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अबू जैन, जी तुम्हारा सर। पास आउट ईयर क्या है? सर 2019। 2019। जी उसके बाद तुमने कहीं किसी कंपनी में काम किया है क्या, हाँ, मैंने सर लास्ट ईयर में काम स्टार्ट कर दिया था। खुद का ना, नहीं, खुद का नहीं, मैंने कंसल्टेंसी ज्वाइन करी थी दिल्ली में, दिल्ली में? ओके, तो मैंने एक वहाँ पे ट्रेनिंग की थी, इंटर्नशिप में मैंने 12 स्टोरी का प्रोजेक्ट करवाया था उन्होंने मुझे, ओके एक गर्ल्स हॉस्टल था हरदोई में, ओके ठीक है। उसके बाद मैंने 2-3 प्रोजेक्ट और किए वहीं पर ही, और ड्राइंग ड्राइंग भी मैंने अच्छे से समझी बहुत, अच्छा, ईटैब पे काम किया था मैंने। ओके, तो तुम्हें ईटैब आता होगा, फिर ऑटोकैड भी आता हाँ, होगा। ऑटोकैड भी आता है, ईटैब भी आता है, और अब मुझसे स्टेट भी आता है। ओके ग्रेट, हाँ, तो अब मेरी चीज़ ये है कि मुझे अपना मैनुअल अच्छा करना है। ओके, एक तो कल मैंने बुक भी मंगवा ली, बीएल से आपने बोला था, उसमें वीडियो बना रखा है, वो बुक मंगाई करेक्ट, है मैंने। हाँ, बेस्ट बुक है वो। बीएल से मंगाई, अच्छी लगी बुक, को काफ़ी अच्छा क्लियर कर रखा है उसमें, और बाकी ये सब चीज़ें मुझे क्लियर करनी है अपनी, मैनुअल हुआ मेरा। ओके, और ये बताओ क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है, मतलब कैसे क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसा कुछ दिक्कत है तुम्हें नहीं, कुछ? क्लास तो मैं ले लूंगा 9 बजे। मेरे साथ मसला यह है कि मैं दिल्ली अभी जा नहीं सकता, हाँ तो मैं एक आपको मैंने बताया था, नोएडा मेरी अगर जहाँ ज्वाइनिंग हो जाए तो मैं मुरादाबाद से डेली अप डाउन कर सकता हूँ, तो एक आध साल जॉब ओके, कर लूंगा मैं आराम से, तो बाकी मेरी पकड़ ठीक ठाक है यहाँ मुरादाबाद हाँ में सर। नोएडा में तुम चाहते हो अपना जॉब स्टार्ट करने के लिए ना? जी, नोएडा या गाजियाबाद। चलेगा। ओके अभिजन, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके नाउ कम विथ नीलेश, देखो अभी हमें कोई क्लास नहीं चल रही, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्या होगा ना, हम लोग एक एक चीजों पे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप भी सीखो कि देखो कि इनको किस चीज का नॉलेज अच्छा, ठीक है, ये ऐसे हो सकता है, तो डेफिनेटली इससे सबको बेनिफिट हो। नीलेश चौधरी, जी, गुजरात। हाँ नीलेश, आप कहाँ से हो? गुजरात से हो, तुम तो बिजनेस ही करोगे। सैलरी कैसा? हैं मेरा एक स्टूडेंट, कंसल कंसल्टेंसी जा हाँ तो अभी तो जॉब करोगे ना? रही ना, अभी गुजरात में जॉब कर, अभी गुड, इंटर्नशिप चालू है, अच्छा इंटर्नशिप कर रहे हो तुम, क्या किस चीज की कर रहे हो इंटर्नशिप, मतलब प्रोफाइल क्या है उसमें? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की इंटर्नशिप कर रहे हो, ओके, पास आउट ईयर क्या है तुम्हारा?
2020 2020 तुम्हारा पास आउट ईयर। ओके, ऑटोकैड सीख थोड़ा बहुत सीख रहे हो क्या वहां पे? ऑटोकैड ईटैब स्केचअप क्या बात है, ठीक और एचडीएस मैक्स यूनियन। है। ओके, नहीं अभी तो स्टैट की वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, स्टैट की। ठीक है, देखो हमारे लिए क्या होगा ईटैब कि में मैंने काम नहीं किया, ऑटोकैड और स्केचअप में मेनली काम करता हूँ ओके, एक्चुअली और देखो ईटैब हम सीखा हुआ। तो मतलब देखो हमारे लिए क्या है, हमारे क्लास में ऐसा सिखाया जाएगा तुमको कि हम ये मान के चलते हैं कि तुमको जीरो आता है, ठीक है, तुमको इधर से सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे क्लास में कभी भी ये नहीं माना जाएगा कि आप कुछ सीख के आए हो, ठीक है। डेफिनेटली उसका एडवांटेज ये होगा कि जब आपको आपसे मैं मॉक इंटरव्यू लूंगा तो मैं जिसको जिसने काम किया हुआ है, जैसे मान लो रसिका ने काम कर रखा है जिस प्रोफाइल पे, तो उससे रिलेटेड मैं रसिका से हार्ड क्वेश्चन पूछूंगा, ये हो सकता है। लेकिन क्लास में जो सिखाया जाएगा वो हमेशा बेसिक से स्टार्ट होगा और टॉप तक जाएगा। तो यहाँ पर हम ये वहां पर आपको ये भी देखना है कि हमको एकदम एक एक चीज का बेसिक पूरा क्लियर करना है, ठीक है। चलो और बताओ, क्या बोलते हैं? और नीलेश तुमको कुछ और डाउट भी है? नहीं यार तू तो कुछ नहीं। हाँ ओके हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ चाची एक मिनट, एक मिनट रुकना। ओके, आज पुणे में बहुत हैवी हुआ है, बारिश हो रही है और गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी आया है, तो हमने देखा कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो मेरा छोटा भाई ऑफिस जाता है तो मैंने देखा कि ही इज रिच और नॉट। चलो तो अभी अनिलेश कोई डाउट है तुमको? नहीं ओके चलेगा। मिश्रा जी, अनिश मिश्रा, अनिश, हेलो हाँ अनिश, अनिश तुम किस जी सर, गुड लोकेशन, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, किस लोकेशन में तुम जॉब प्रिफर कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो, थॉट कर रहे हो? सर मैं अभी तो मेरा खुद का ऑफिस है, मतलब हाँ बना के रखा हुआ है, एक वेरी डेढ़ गुड, साल हो गए हैं सर मुझे। हाँ और सर मैं 2015 का पास आउट हूँ, सेल बिजनेस, मैंने ओके। जॉब हाँ की है। हेलो हाँ सुनो सुनो, बोलो बोलो, मैं लिख रहा हूँ इधर ऐसे। जी सर, मैं 3 to 4 ईयर जॉब की है, मतलब साइट में। अब मैं सोच ओके रहा हूँ कि मेन क्या है अपना, ये स्ट्रक्चर पे वर्क करना चाहता हूँ सर। ओके, मतलब तुम्हारा तो साइट का मैं ये नॉलेज है? चाह जी सर, साइट का नॉलेज है, बिल्डिंग ओके कंस्ट्रक्शन एंड रोड कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज, ये सब मैंने करेक्ट काम किया हुआ है करेक्ट, हाँ क्या चाह रहे हो बताओ। सर। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है स्ट्रक्चर पे अपना मेन क्या है मेरा, अभी करंट में वो भी हो रहा है, एमटेक कंप्लीट हो रहा है इसी साथ गुड, जी। थीसिस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वहाँ पे सबमिट नहीं की है, बस उसके बाद हो जाएगा परसुइंग है, हो जाएगा मतलब, जी जी ठीक है। तो अभी तुम इसी को मतलब स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहते हो कुल मिला के? जी सर, पूरा स्ट्रक्चर पे ही जाना चाहता हूँ। ओके ग्रेट, चलेगा मिश्रा, मैंने लिख लिया। एक्चुअली इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें किसके लिए क्या काम करना है अलग से उसको हमें आइडिया लगता है। ओके भारती जी, आप अपना माइक ऑन कर लेना। सर एक हाँ डाउट था हाँ बोलो ना, बोलो ना। सर, मैं ये बोल रहा था जैसे मैं सतना में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बड़ी बिल्डिंग है तो बहुत ज्यादा नहीं है, पर बीम का बहुत ज्यादा वो है, करेक्ट, तो मैं स्ट्रक्चर तो कर रहा हूँ पर मुझे इसके लिए जैसे वो भी चाहिए पड़ेंगी, लीड्स वगैरह, करेक्ट, वो सर कहाँ से कैसे जनरेट होंगी, कैसे होगा, मतलब ऑनलाइन कर सकता हूँ या फिर मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। ऑनलाइन कर सकते हो, सबसे अच्छा माध्यम आज के टाइम में ऑनलाइन है। अभी देखो मैं पुणे में बैठा हूँ बट मेरे पास इलाहाबाद का काम आता है, दिल्ली का काम आता है, कल अभी परसों आया था मैसूर का काम आया था, उससे पहले आसाम का काम आया मतलब था। सर जी, कौन मतलब सा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि मतलब मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूँ यहाँ से मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़े, मैं भरपूर काम कर सकता हूँ यहाँ से बिल्कुल कर सकते हो, उसके तरीके हैं थोड़े से, क्या होता है ब्रांड की जी। वैल्यूएशन को थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ती है, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि सेल्फ बिजनेस, इसका भी मेरा एक सेशन होता है पूरा कि सेल्फ बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, ठीक है। तो बिल्कुल हम सर, लोग इसीलिए तो उसमें, ज्वाइन किया हाँ तो उस पर भी हम लोग आने वाले हैं, ठीक है। मैं ना सब ये सारी चीज़ों को क्या करता हूँ यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ और लगभग यहाँ पर हम लोग इंडेक्स पूरा तैयार करते हैं कि एग्जैक्टली सबको मिला के ओवरऑल क्या क्या नीड्स हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं कभी भी आपको सिलेबस नहीं शेयर कर पाता हूँ क्योंकि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस मतलब ये हो गया जी कि जो मुझे आता है मैंने बता दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आपको सर नहीं आता है वो मैं बताऊँ,
ठीक है। तो मैं जब सिलेबस, बिल्कुल जो मैं सिलेबस डिजाइन करता हूँ, तो मैं सिलेबस ऐसा डिजाइन करता हूँ जो कि क्लास स्टार्ट होने के बाद, सबसे बड़ी लोग ये अलग ही यूनिक चीज है ये, कि मैं कभी भी ये नहीं बताता हूँ कि मैं ये पढ़ा दूंगा ये पढ़ा दूंगा। क्यों? अरे यार, ये ऐसे पढ़ना है तो तुम तो इंटरनेट से पढ़ लो, तुम्हें किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलेगा। बिल्कुल सर, ओके ठीक है, और ओके, जाओ। थैंक यू जी। ओके ओके, ब्रजराज भारती आप बताइएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी भारती सर, जी। हाँ मैं सर बताइए। 2012 का पास आउट हूँ, डिप्लोमा किया हुआ था सिविल इंजीनियरिंग से, करेक्ट, और तभी से सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जॉब कर रहा हूँ। ओके मेनली मैंने दिल्ली में काम किया हुआ सर, दिल्ली ओके में ही मेरा जॉब रहा है। ओके गुवाहाटी में रहा था सर 2 साल, गुवाहाटी में करके आया था एक प्रोजेक्ट, पूरा बिल्डिंग कंप्लीट करके आया था। ओके तो ऑल ओवर सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी और फिनिशिंग का भी आइडिया है मेरे, बट ओके जिसमें क्या कि कोई ग्रो नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं अपना पूरा स्ट्रक्चर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके ऑटोकैड मैंने 2018 में कर रखा है सर। ओके तो ओके ग्रेट, बहुत मैं अच्छा। अपना आप मथुरा में सेटअप करना चाहता हूँ सर, मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। ओके मथुरा से हो? चलो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी हमारी, हम भी प्लान कर रहे हैं मथुरा घूमने का। जी सर, जब तो आइएगा जरूर बताइएगा मेरे को। ठीक बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह है मथुरा। लेकिन ऐसा हो गया, कभी मैं ऊपर वाले ने बुलाया नहीं, मैं कभी गया नहीं, लेकिन अब जल्दी ही अपन मुलाकात होगी वहाँ। चलो ठीक है, बताता हूँ महाराज। ओके ओके जी, ओके 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 जी। ओके और कुछ जानना है अपने को, क्लास के बारे में कुछ जानना है कुछ, जैसे कुछ डाउट्स है तुम्हारे माइंड में कुछ? नहीं नहीं सर, क्लास के बारे में तो नहीं, बट सर मेरे को एक चीज जानना था कि हाँ सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करने हैं गेट इनटू पीसी से, करेक्ट, एक्चुअली मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा था ऑटोकैड, बट उसमें क्या है कि वही प्रॉब्लम आ रहा है, एक्टिवेशन का मांग रहा है वो। और उसमें उसका जो हाँ बोलो सर, बोलो। उसमें जो एक जो फाइल होती है ना, क्रैक जो फाइल होती है, वो उसकी फाइल थी नहीं उसके अंदर। ओके 2020 ओके पे डाउनलोड डाउनलोड किया था सर मैंने। नहीं, फाइल होती है हमारे पास उसमें, बट क्या होता है हमारे पास एंटीवायरस होता है, तो एंटीवायरस क्या करता है उसको रिमूव कर देता है, उसको लगता है कि फाइल उचित फाइल नहीं है इस सिस्टम के लिए, ठीक है। जी तो जी जी एंटीवायरस उसको क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। तो मैं अलग से तुमको ग्रुप में भेज दूंगा क्या बोलते हैं अपना ये क्रैक फाइल को, डायरेक्ट तुम वहां से कर लेना, ठीक है ठीक है, ओके सर, ठीक है चलेगा। चलिए। ओके नाउ नेक्स्ट कम विथ, हम लोग आते हैं आलम से, तो बात हो गई हमारी। जसप्रीत कौर, कौर जी आप आपके फ्रेंड से बात हो गई, अब आप भी करो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? स्टार्टिंग गुड प्रॉब्लम हो रही मॉर्निंग थी ना तुमको, बार बार आ रहे थे जा रहे थे, ऐसा हो रहा था यस सर, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ। ना? हाँ मुझे ऐसा लगा कि नेट। तुम अभी क्या जम्मू में ही हो राइट? यस सर, जम्मू में ही हूँ। ओके, तुम अभी जॉब लोकेशन ये चंडीगढ़ वगैरह में प्रीफर करोगे ना, या फिर दिल्ली, दिल्ली में, ऐसा कि जम्मू में ही सर करना चाहोगे नहीं जॉब नहीं सर, वगैरह? कहीं भी, दिल्ली, जम्मू, पुणे में जो कोई ओके इशू पैसा नहीं चाहिए, चाहिए चाहे जहाँ जाना पड़ेगा। है ओके तुम्हारा ये 22 का ही पास आउट है ना? सर। एमटेक हाँ सर ऑलमोस्ट कंप्लीट, बस रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। मतलब 22 ही रहेगा ना, मतलब कुल मिला के। यस सर, 22 22 ही रहेगा। तुमने कुछ सॉफ्टवेयर भी सीखा है क्या पहले कभी? यस सर, ऑटोकैड सीखा था, स्टैड और ये ई टैब्स। ओके ऑटोकैड और ई टैब्स तो मतलब आता है अच्छे से, बट ये स्टैड भूल गया थोड़ा सा से। ओके, आता है मतलब प्रोफेशनल तरीके से, नहीं आता है हाँ जनरल आता है। प्रोफेशनल, ओके यस चलेगा। और क्या बोलते हैं, तुमने ये सब कब सीखा था रिसेंटली, मतलब कि ऑटोकैड वगैरह जनरली 2-3 साल ऑटो पहले? कैड मैंने 2014 नहीं 2016 में सीखा था, और स्टैट प्रो मैंने 2018 में सीखा था ओके चलेगा, जी। और ठीक है ओके, जैसे बस इतना जानना है, और तुमको कुछ जानना है तो पूछ सकते हो। नो सर, ओके चलेगा ठीक है। जी ओके नाउ नेक्स्ट वेलकम विथ मिस्टर कमल जी, हो गए मोहित श्रीवास्तव। मोहित जी, मोहित गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? थैंक ओके श्रीवास्तव जी कहाँ से? लाला जी कहाँ से होते सर, बिहार से सर। सर बिहार से? और अभी जॉब लोकेशन तुम दिल्ली में प्रीफर करोगे ना? कहीं भी मिल जाए जॉब से मतलब है। अच्छा जॉब से मतलब है कहीं पे भी मिले चलेगा। यस सर, नहीं क्या होता है कि हमको प्रिफरेंस लोकेशन अगर रहता है तो क्या, मैं क्या करता हूँ कि जो भी आप लोकेशन बताते हो उसके इर्द गिर्द जो भी ओपनिंग्स आती है ना, मैं ग्रुप में शेयर कर पाता हूँ, ठीक है। ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा ना, मैं शेयर कर रहा हूँ गुवाहाटी का, ठीक है। अब गुवाहाटी कोई जाना ही नहीं चाह रहा है तो फिर मतलब नहीं निकलेगा मेरे एफर्ट का, तो मैं उसी लोकेशन को प्रीफर करता हूँ जिस लोकेशन में आप लोग रहते हो, तो उसकी जो भी ओपनिंग आती है मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहता हुआ। मोहित आपका सर पास वैसे आउट कब है? पुणे पुणे नोएडा डिस्कस करेंगे। ओके पुणे, तो पुणे में तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि पुणे का मुझे एक एक कंपनी के बारे में पता है, कंपनी मुझे जानती है, मैं कंपनी को जानता हूँ, इवन कंपनी में क्या पूछेंगे वो भी मुझे पता रहता है,
तो है, सर गाइड कर दीजिएगा। बिल्कुल, मैं ये तो जब आपको रेगुलर मिलेगा मेरा गाइडेंस, इसीलिए तो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट ही है ये, डेली गाइडेंस। ठीक है मोहित, अभी आप पास आउट कब हो? 2018 2018 के। ओके, और उसके बाद तुमने ये इसमें बीटेक किया था? बी 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 किया हुआ है। और उसके बाद कुछ सीखा हुआ था कभी? हाँ, ऑटो कैड आता है, स्केचअप आता है, स्टैट का बेसिक आता है, डेविड का बेसिक आता है। ओके, ऑटो कैड स्केचअप, बट स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर नहीं है वो, ऑटो कैड यस मेन है सर, तुम्हारे लिए। ठीक है, आर्किटेक्चर के अंदर काम सर किया है जॉब तुमने, कर रहे हैं। कितना यस किया सर, हुआ, जॉब कितने कर साल रहे किया हैं, है? अक्टूबर से कर रहे हैं सर। ओके, मतलब कि उससे पहले किया था, अभी छोड़ दिया क्या? नहीं, कंटिन्यू है। अच्छा, कंटिन्यू, ग्रेट, चलेगा। ओके मोहित, और क्या बोलते हैं, तुम्हें अपने क्लासेस रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो। हाँ सर, आपसे हम बात किए थे, आप बोले थे टाइम को लेके कि 8:45 तक कर सकते हैं, क्योंकि हाँ 10 बजे ऐसा, से हमको जाना होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो उसमें हम लोग ऐसे प्लान करेंगे इन फ्यूचर कि हम लोग जितना थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, एक हमारी जो करंट बैच चल रही है उसको थोड़े से शिफ्ट करेंगे, तो 8:45 के आसपास ट्राई करेंगे। ठीक है, और होप सो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। ठीक है, 15 मिनट विल बी ओके, क्या बोलते हैं, हो सकता है उस बैच को 15 मिनट पहले कर देंगे, इस बैच को थोड़ा सा 15 मिनट पहले कर लेंगे, है ना? तो अभी थोड़े दिन के लिए मैनेज करना, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा उसका सिलेबस हो जाता है उस बैच का, तो थोड़ा सा उसका वो कर देंगे। ठीक है, ओके सर, चलेगा। ओके मोहित, चलेगा। नाउ नेक्स्ट कम विथ, ठीक है, थैंक यू अभी सर। ओके, द मोस्ट वेलकम। ठीक है, प्रवीण, प्रवीण आपसे, प्रवीण से पहले, चलो प्रवीण पहले बता दो, फिर सुभाषी से बात, क्योंकि उसको जॉब पे जाना रहेगा। हाँ प्रवीण बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रवीण, आपका क्या बोलते हैं, पास आउट ईयर कब का है? 2019 सर, 19 है, और 19 में आपने क्या किया हुआ है? एमटेक स्ट्रक्चरल कंप्लीट हुआ एम सर। टेक स्ट्रक्चर कम्प्लीट हुआ है। ओके, और उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद तो अभी जॉब भी नहीं किया हूँ सर। ओके, हमारा ओन घर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वही इच्छा किया। ओके, मतलब अपने ही घर का कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। तुमने एफर्ट डाले थे, हाँ मतलब जॉब के लिए ट्राई किए थे? नहीं सर, ओके, अभी ट्राई नहीं कर, तब कोई बात नहीं। ठीक है, और कुछ सॉफ्टवेयर भी सीखे तुमने थोड़े बहुत, हाँ सर, क्या सीखा है? ई टेप्स आता है सर, ऑटो कैड आता है, स्केचअप आता है सर। ओके, चलेगा। तुम्हें कुछ डाउट है मेरे से, कुछ पूछना है? नहीं सर, स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करने के लिए, ऑल इन वन बैच हाँ वो का तो ये पता हूँ है मुझे, सर, तुम मैं ऑल इन स्टूडेंट वन से किए हो। हूँ। ठीक है, तुम्हें हाँ सर, स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट का तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स का हमारे पास हाँ पूरा सर, इंडेक्स हम लोग तैयार किए हुए हैं, प्लस एक क्वेश्चन बैंक हाँ है हमारे पास, पूरा 1000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके बाहर जाएगा वो। ठीक है, इतना हमने उस पर पकड़ बनाया है, तो उसका तो टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके नाउ, चलो अभी सुभाषिश तुम बताओ कि तुम्हारा जॉब का है। मॉर्निंग ओके, सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुभाषिश, अभी तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? दिस ईयर दिस ईयर, और अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना हुआ है? टेक्निकल एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है, ऐसे जो आपको बोला था, जो हाँ ऑफिस में जॉब करता हूँ वो उसका करेक्ट, हुआ है। बेसिक जॉब अभी है, मतलब फ्रेशर ही हो एक हाँ तरीके से। हाँ और कुछ सॉफ्टवेयर भी कभी सीखा है क्या पहले कभी? हाँ सर, ऑटो कार्ड और स्केचअप का कोर्स किया था। ओके, ठीक है, ओके, चलेगा। और तुम्हें तो कोई डाउट होगा नहीं कि तुमने तो सब कुछ पूछ लिया, कुछ है डाउट तो पूछो। हाँ सर, वो पूछा था आपको जो मतलब रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स रहते हैं वो हाँ हम लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, कर सकते हो सारा कुछ लैपटॉप में एक्सेस करने का, आज ही लिंक मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, और अभी क्या होगा कि वन बाई वन मेरे तरफ से आपको कॉल भी जाएंगी। ठीक है, मतलब कि शायद वो आज जाए या फिर कल जाए, ऐसा अभी मत बोलना कि मैसेज करो ग्रुप में। देखो, ग्रुप में एक्स्ट्रा मैसेज किसी को नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास टाइमिंग का एकदम एक्यूरेट टाइम होता है मेरा। ठीक है, तो शायद मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए मतलब जो काम के मैसेज वही करना है आपको, जो डाउट रहेंगे क्लास में आओ, अपना 1.5 घंटा तो मैंने रिजर्व कर रखा है, ये आपका है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, जैसे कि कॉल जाएगा सबको, अब कब जाएगा ये मैं ये नहीं बोल सकता कि आज ही जाएगा, हो सकता है मेरे पास आज टाइम स्लॉट ना हो, तो कल कर लेंगे, है ना? ओके ठीक है, तो एक कॉल मेरी तरफ से आपको जाती है, जिसमें हम आपको कुछ और प्रॉब्लम आएगी अगर बेसिकली, तो आप और उसको क्लियर कर सकते हो, प्लस कुछ इंस्ट्रक्शंस और मिलते हैं आपको, सर,
तो जैसे कि सबका अपना इंडिविजुअल प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए मैं लिखता हूँ सबके प्रॉब्लम्स को, फिर उसके बाद बताता हूँ फोन पे, ठीक है? ओके सर, चलेगा, ओके। नो सैयद हसीब, सैयद हसीब, सैयद हसीब, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हसीब, तुमने तो ऑल इन वन भी कर रखा है ना शायद? नहीं, सर ओके चलेगा। हसीब तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? 2020 सर, 2020 है, ओके। और कुछ कुछ तुमने बीटेक किया है ना, बी किया है, बी किया है सर। बी किया हुआ है, ओके। और उसके बाद कुछ जॉब भी किया है कहीं पे? अभी सर मेरा कंसल्टेंसी है सर, पार्टनरशिप में ओके मैं एज ए 3D विजुअलाइजर एज ए साइड इंजीनियर काम करता हूँ सर। ओके। अभी तुम स्ट्रक्चर का काम सबमिट करना चाहते हो, तुम्हारा वो एम है ना? जी सर, ओके चलेगा, वो तो हो जाएगा। और ग्रो करना है अपने काम को, ये भी तुम्हें देखना होगा कि हम अपने काम को कैसे ग्रो करें ना, जी सर। चलेगा। ओके, और तुम्हें कुछ डाउट है मेरे से कुछ पूछना है? सर ईटेक्स का क्लासेस कब स्टार्ट होगा सर? ई टाइम में अभी टाइम लगेगा, अभी हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए हमारा कि ऑटोकैड हमारा बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, ठीक है? चाहे जितना टाइम ओके लगे, सर, लेकिन जो आपने ऑटोकैड सीखा हुआ है, जब आप हमारा ऑटोकैड सीखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो सीखा था जो, ये कुछ नहीं है इसके आगे, ठीक है? जी जी सर, तो हम पहले ऑटोकैड सीखेंगे, फिर स्टैट प्रो सीखेंगे, फिर RCDC सीखेंगे, फिर ETAP सीखेंगे, फिर सेप सीखेंगे, फिर रेविट सीखेंगे। रेविट के बाद फिर हम लोग मैनुअल एक्सेल सीख के नमस्ते लंदन हो जाएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि स्टेट के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब के लिए जो जो जॉब अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, वो जो बिजनेस कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्स का प्रोजेक्ट सबमिट करने लगे स्टेट के बाद, ऐसा होना चाहिए। ऑटो कैड आपका तब तक चलेगा जब तक कि ऑटो कैड के अंदर आप प्रॉपर प्रोजेक्ट करके सबमिट नहीं करने लगोगे। हमको आपसे वर्किंग ड्राइंग भी बनवानी है, सबमिशन ड्राइंग भी बनवानी है, ठीक है? हर तरह की ड्राइंग्स आपको बनानी है। जब आपका ड्राइंग परफेक्ट हो जाएगा तब हम स्टेट में जाएंगे। स्टेट पहले ऑटो कैड परफेक्ट होने के बाद एक टेस्ट होगा आपका, टेस्ट जब आप क्वालिफाई ओके करोगे तब हम लोग ईटेप पे स्टेट पे जाएंगे। स्टेट का सेम होगा, प्रोजेक्ट सबमिट करना आ जाएगा, तो उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट क्वालिफाई करोगे तब आगे जाएंगे। फिर सेम ऐसे ही ईटेप में होगा, ओके हर सॉफ्टवेयर का इंडिविजुअल टेस्ट होगा, और उसके बाद देखेंगे कितना आपने ग्रोथ किया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से अपना चलने वाला है, ठीक है? ओके चलेगा। राजू, राजू जी, राजू तुम अभी क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हो, पास आउट किया तुम्हारा? इसने माइक ऑन किया बट आवाज नहीं आ रही। हाँ राजू, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ब्रदर। आपका क्या बोलते हैं, उस पास आउट ईयर क्या है तुम्हारा? मैं फाइनल ईयर, बीटेक फाइनल ईयर में हूँ। बीटेक फाइनल ईयर में, ओके गुड, ठीक है। और अभी तुमने कुछ सीखा है कभी, लाइक यूट्यूब वगैरह से या फिर कहीं से, थोड़ा बहुत बेसिक? सर मैं ऑल इन वन का बैच हूँ, तो मैं ऑटो कैड, स्टेट प्रो, स्टेट फाउंडेशन, RCDC से। सब सीख लिए? हाँ तो तब तो तुम्हारा काफी कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ गया होगा स्टेट वगैरह में। थोड़ी है थोड़ी है, वेरी गुड, तब प्रैक्टिस कम किया है। अगर प्रैक्टिस कम रहेगा ना, तो जैसे क्या होता है कि प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों को ना मैच कराना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग इस वीडियोस को देखना तो आ जाता है, समझ आ जाता है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप उस चीज़ को करके नहीं देखोगे। उसमें जो एरर आया, ठीक है, कल एक लड़के ने बोला सर मुझे एरर्स कैसे सॉल्व करना है मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैंने उसको पता है क्या बोला, मैंने उसको बोला कि तुम 20 प्रोजेक्ट करो, उसमें जो एरर आए उसका एक फोल्डर बनाओ और एक साथ करके ले आओ, ठीक है? और ले आओ, फिर हम चेक करेंगे, तुरंत तुमको उसी समय सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। तो मैं कभी भी जो बने हुए क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर नहीं करता हूँ, ये पहले आपको बता देता हूँ। मैं क्वेश्चन कैसे आंसर करता हूँ, आप करके ले आओ, एरर है मैं उसी समय पर आपको बनाऊंगा। मतलब कि आपका एफर्ट करना जरूरी है। कॉलम में रेनफोर्समेंट नहीं डाल रहे हो, मैं नहीं बताऊंगा कैसे डालना है। आप एफर्ट करो, मेहनत करो, गलत बना के लाओ, सही में बनाना बता दूंगा, ठीक है राजू? ओके और बताओ, तुम्हें सर, ऑटो कैड तुमने मतलब सीखा है, स्टैट भी सीख लिया थोड़ा बहुत, ऑल इन वंस, राइट? ओके चलेगा। और कोई डाउट है तुमसे, मेरे से कुछ पूछना है? सर। अभी नहीं सर। ओके सर सर मैं फाइनल में हूँ, तो सर क्या कोई भी जॉब के स्ट्रक्चर, जॉब के लिए कोई भी अप्लाई कर सकती हूँ? स्ट्रक्चर्स जॉब क्या मतलब कि तुमने ऑटो कैड कर रखा है, स्टेट प्रो कर रखा है, और तो तुम क्या अच्छा RCDC कर रहे हो? तुम राजू कहाँ से हो एग्जैक्टली, मतलब कहाँ जॉब देख रहे हो? सर ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया, तुम बंगाल से हो ना? यस सर। ठीक है, तो ओके ठीक है। तुम्हें मेरे से कुछ जानना है? सर वही सर, फाइनल ईयर में हूँ तो क्या कर सकता हूँ?
बस तो फाइनल ईयर हो, तो अभी तो भी तुम मतलब अभी तो बहुत अच्छा तुम टाइम पर सीख रहे हो, तुम्हारे से अच्छा तो कोई कर ही नहीं पाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर फाइनल ईयर में हम परफेक्ट हो गए ना, तो जैसे ही निकलते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की लाइन हो जाती है, ठीक है? तो एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या बोलते हैं, ऑटो कैड और स्टेट तो तुमको आता है और डेफिनेटली तुम कर लोगे, तो मैं आगे इसके बारे में तुमको बताऊंगा कि क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या तुमको पढ़ना चाहिए राजू, ये भी मैं तुमको बताऊंगा। और बाकी कुछ चीज़ें तुमको मैं बताऊंगा कि और तुम्हें अभी एक्स्ट्रा क्या कर लेना चाहिए जिससे तुम और अच्छा हो जाएगा, मैं तुमको कॉल करके इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। चलेगा, ओके, मोस्ट वेलकम, ठीक है? और क्या बोलते हैं, विजय रावत जी, विजय दो हैं या फिर आपकी आईडी क्या दूसरी है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी विजय, विजय आपका पासआउट ईयर क्या है? सर 2020 पास आउट हूँ और सर अभी करंटली मास्टर्स पढ़ते कर रहा हूँ स्ट्रक्चर में, लास्ट सेमेस्टर। 2020 हो तुम पास आउट और तुम मास्टर्स अभी कर रहे हो, राइट? जी। और 2022 में हो जाएगा, ओके। और विजय तुम एग्जैक्टली तुम वहाँ से क्या बोलते हैं, हिमाचल से हो रावत? नहीं नहीं सर, हाँ सर मैं राजस्थान से हूँ पर सर राजस्थान अभी। से हो, हाँ ओके। और अभी कहाँ देख रहे हो जॉब लोकेशन? पुणे सर, पुणे में। जी में ही देख रहे हो, ओके ग्रेट, ठीक है। तो बाकी तो तुम्हारा सब पता ही है विजय, ठीक है? विजय तुमको पहले से कुछ आता है क्या? सर, बेसिक से मतलब सर ओपन सोर्सेस से स्टडी किया हुआ है बट सर प्रैक्टिस नहीं है तो सर वो प्रैक्टिस नहीं कॉन्फिडेंस है, नहीं है। कॉन्फिडेंस जी नहीं है, चलेगा, ओके चलेगा। तो और विजय तुमको कुछ मेरे से कुछ पूछ रहा था, पूछ रहा, पहले सर, अभी तो कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं, तुम तो ऐसे भी सारे डाउट क्लियर कर चुके हो, है? जी चलेगा, गुड, अच्छा है। और विजय तुम्हारा ही आईडी है क्या, ये 4560 या फिर क्या बोलते हैं? हेलो सर, ये हाँ भी, हमारा आईडी है सर, अच्छा परमवीर सिंह तुम्हारे, रावत। अच्छा परमवीर सिंह का, तो तुमने विजय क्यों लिखा हुआ है, तुम्हारा दूसरा नाम है? सर नहीं नहीं सर, ऐसी वो यूजर नेम है सर। अच्छा वही, इसको ना चेंज कर लेना, पता है क्या होगा, ओके ओके सर, अपने को ओके। बाद में दिक्कत हो सकती है, इन फ्यूचर से अपने मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं उस समय पर यस समस्या आ सर, सकती है ना, रीनेम कर ओके। लेना बस, हो गया। हाँ पर अभी तुम बताओ कि तुम्हारा पासआउट ईयर क्या है? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा पास गुड आउट ईयर मॉर्निंग, 2011 है सर, बीटेक, ओके और मास्टर्स 2013 में सर, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। ओके। हाँ वो तुमने बताया था कि जियोटेक में है, तो सर अभी अब मैं एज असिस्टेंट इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ सर, गवर्नमेंट जॉब ओके, में हूँ सर। हाँ करेक्ट। और अभी तुमको अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करना है, कैसे कैसे करना है हाँ यस सर, उसके लिए यस सर। कॉन्फिडेंट होना चाह रहे, राइट? तो मतलब तुम्हारा सेल्फ के ऊपर तुम्हारा ज्यादा फोकस रहेगा कि हम यस खुद सर। का कर से कर सके, है ना? और कुछ परमवीर जी बताइए, और कुछ क्या बोलते हैं, कुछ सर ये डाउट मेरा है? डाउट है सर, जैसे हाँ सॉफ्टवेयर हम लोग सीखते हैं सर, तो बिल्कुल, मतलब हम किस लेवल पे सीखेंगे सर? मतलब जैसे एक होता है कि उसके पीछे कैसे कैलकुलेशन वर्क कर रही हैं, कैसे हम लोग रिजल्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, करेक्ट, नोड पॉइंट में कैसे हम जो डेटा होता है, बेंडिंग, डिफ्लेक्शन, ये सब, मतलब ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे सर। यस। ये सब कैसे करने वाले, स्टेप वाइज करने वाले हैं, और कैसे होगा कि एक साथ हमने अगर आपको बता दिया कि बाइक को इस गियर पे इतने स्पीड में चलाना चाहिए, इस गियर को इतने स्पीड पे चलाना चाहिए ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वाइज जाते हैं। स्टेप वाइज मतलब कि सबसे पहले हम लोग किस चीज़ पर फोकस करेंगे कि हम क्या उसको ड्राफ्ट कर ले रहे हैं, क्या ड्राफ्ट करके सबमिट कर पा रहे हैं क्या, पहला ये सीखेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर पा रहे हैं क्या हम, तो वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद डिजाइन कर पा रहे हैं क्या, वो सीखेंगे। उसके बाद उसको क्या डिटेल कर पा रहे हैं क्या, वो सीखेंगे। उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं क्या, ऑप्टिमाइज मतलब उसकी क्वांटिटी को कम कर पा रहे हैं क्या, वो सीखेंगे। उसके बाद उसके डाटा को और करेक्ट कर पा रहे हैं क्या, वो सीखेंगे। तो स्टेप वाइज हम लोग धीरे 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 करके ऐसे करके जाएंगे। सर डाटा को करेक्ट करने का मीन्स सर, मतलब डाटा को करेक्ट मतलब कि जैसे कि क्या होगा कि कभी कभी ऐसे सॉफ्टवेयर दे देगा कि आपको यहाँ पर रेनफोर्समेंट 1.6% दे रहा है, बाकी जगहों पे पूरे स्ट्रक्चर्स में 1.2% दे रहा है। तो ये पहले क्लास में ही मैं अगर ये बताने लगूंगा कि इसको ठीक कैसे करना है ना, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको ये सबसे लास्ट में होगा ऑप्टिमाइजेशन। पहले जब सब कुछ सीख लोगे स्टैट में, तो उसके बाद सीखा जाएगा कि भाई इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए इसका सीयर फोर्स देखना चाहिए तुमको, कहीं सीयर फोर्स ज्यादा तो नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर सिर्फ वो ज्यादा आ रहा है, क्या कम कर सकते हैं क्या सिर्फ फोर्स को, कैसे, साइज को कम करके या ज्यादा करके, सपोर्ट क्या चेंज हो सकता है क्या यहाँ पे, या फिर कोई एक्स्ट्रा बीम यहाँ पर आ सकती है क्या? तो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स जो कि हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है? वो काफी आगे है, मतलब कम से कम 2 महीने बाद का है वो, चलेगा। और कुछ डाउट है बोलो। नहीं सर, और तो फिलहाल कोई डाउट ओके नहीं है। चलेगा। अभी क्या करना है, अभी जो बेसिक चलेगा ना उसमें ऐसे छोटे छोटे, सबके लिए बोल रहा हूँ, ये ऐसे छोटे छोटे ड्राइंग्स आएंगे, आप बोलोगे सर ये तो मतलब एक पहली पहली ड्राइंग तो इतनी ईजी आपको मिलने वाली है कल, क्या बोलोगे सर इसमें तो कुछ था ही नहीं, लेकिन हमें उसे भी करना है क्योंकि
क्योंकि उसके भी पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, ठीक है, तभी मैंने उसको अपने कंटेंट के अंदर ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर सब कुछ प्री प्लान है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने पूरा गुरुकुल का कॉन्सेप्ट को रेडी कर रखा है कि हमको कब क्या पढ़ना है, सिर्फ उस टाइम पर आपको उस चीज़ को परफेक्ट कर लेना है। और जो स्किप करता जाएगा कि चलो ठीक है अभी तो मुझे ऑटो कैड आता है सर पढ़ा रहे हैं ऑटो कैड, स्टैट विद डायरेक्ट ज्वाइन करूंगा, बिलीव करो उसका स्टेप खत्म हो जाएगा, फिर उसको स्टैट भी समझ नहीं आएगा। और स्टैट जिसने स्किप किया उसको ईटीएफ तो भूल जाओ, ईटीएफ जिसने स्किप किया मैनुअल वनुअल तो उसके ऊपर से जाएगी पूरा, क्योंकि कॉलेज में नहीं समझ आता, यहाँ क्या समझ आएगा। तो ये चीजें हमको फॉलो करनी है। और सर बोलो वन वन मोर डाउट सर, सर हाँ कभी कभी सर हम क्लास जैसे अभी वर्किंग में है सर, तो जैसे कभी क्लास अटेंड नहीं हाँ, कर आपका पाएंगे थोड़ा सा है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए है क्योंकि आप जॉब में हो। आपको देखो जो जॉब में है ना उनके लिए मुझे जॉब इन द सेंस कि आप खुद का करने वाले हो, ठीक है, या फिर खुद का कर रहे हो, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए तो ओके है, बट जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए कोई छूट नहीं है, ओके सर। ठीक है। तो जिसको ऐसा है कि नहीं अभी मेरे को अभी जैसे कि जसप्रीत है, कमल है, नितिन है, ये लोग कैसे कि लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स के और मतलब इंटरव्यू के लिए, अगर ये ऐसा करेंगे ठीक है, डेफिनेटली आपका चलो जॉब है तो आपको तो कोई टेंशन नहीं है, और भी गवर्नमेंट जॉब है तो और भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों की तो ओके है, बट जो लोग ऐसे हैं जैसे कि सुभाषीष हैं, इनको करना ही करना पड़ेगा, इनके लिए कोई मुरौत नहीं है, और इनका इंटरव्यू परफॉर्मेंस भी बेस्ट चाहिए। और कुछ डाउट है तो पूछो। ओके सर, और मैनुअल डिजाइन्स में सर हम लोग जैसे मतलब बिल्डिंग्स का डिजाइन, कंप्लीट बिल्डिंग का डिजाइन सीखेंगे सर उसमें नहीं, मतलब। कंप्लीट कोई भी नहीं करता है इस पूरे पूरे इंडस्ट्री में, इस समय कंप्लीट मैनुअल डिजाइन कोई नहीं करता है। हम लोग उसके अंदर क्रिटिकल बीम को सीखते हैं, क्रिटिकल बीम मतलब पूरे स्पैन के अंदर जो सबसे क्रिटिकल होगा, क्योंकि जो 4 मीटर की बीम के लिए होगा वही तो 4.5 मीटर के लिए भी होगा, स्टेप 4.5 के लिए जो होगा वही 6.5 के लिए भी होगा, तो उसमें से 6.5 कॉम्प्लेक्स है ना, तो हम 6.5 का करेंगे केवल बस। मतलब ऐसा हम इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए, स्लैब के लिए भी, जो क्रिटिकल स्लैब कॉलम प्लस टेन यस, फुटिंग। एक स्लैब, एक फुटिंग, एक कॉलम, एक बीम, ये एक्चुअली करना ही नहीं है इंडस्ट्री में ना। इंडस्ट्री में जहां पर हमारा कोई स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है उसका इंडिविजुअल हम लोग मैनुअल करते हैं, ठीक है। और अगर तुम केवल केवल मैनुअल करते बैठोगे ना, तो कम से कम तुम्हें मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्ते एक प्रोजेक्ट पर लगेंगे फुल टाइम करने के बाद, क्योंकि बेटा तुमको पता है एक बीम के डिजाइन करने में लगभग 5-6 पेज निकलेंगे, तो 2-3 पेज अगर आपके पूरे स्ट्रक्चर्स के अंदर 80-85 बीम्स हैं तो आप सोच सकते हो कि कितनी लगेंगी। तो कोई हाँ भी सर, मतलब ऐसे सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी तक बात कर रहे हैं सर, हाँ तो नहीं मल्टी मतलब स्टोरी इसमें ऐसे हम नहीं। लोग करते हैं ना कि जो सॉफ्टवेयर इसको स्टैट पे भी करते हैं और स्टैट पे करने के बाद एक्सेल पे भी कर ही रहे हैं, तो उसके बीच में क्या आता है मैनुअल आता है, तो जो उसमें मैनुअल में जो कॉम्प्लेक्स ग्रिड्स होते हैं ऑलरेडी हो रखा है, मतलब कि इसकी तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, उसमें जो डाउट आएगा वो उसमें मैं हेल्प करूंगा। तो मैं उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा जो टॉपिक्स बिजनेस को ग्रो करे, जो टॉपिक्स जॉब को ग्रो करे। सबसे पहला प्रेफरेंस जॉब को रहता है, दूसरा बिजनेस रहता है। रीजन ये है कि काम करना आ गया तो भी बिजनेस भी अच्छा कर पाओगे, राइट। तो पहले हमको जॉब के लिए तैयारी करना है, तो अभी आप जॉब के लिए कर रहे हो और डेफिनेटली वो आ गया तो फिर तो आप काम कर ही सकते हो, ठीक है। ओके सर, ओके। और एक चीज क्लियर रखना है कि हमको डेली करके आना है, ठीक है, ये चाहे आप हो या फिर कोई भी हो, एक्स वाई जेड सबके लिए है कि हमको करके आना है। अगर उसमें हमें डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है, चलेगा। ओके 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 सर, चलेगा। अभी विनीत कुमार जी, विनीत, हेलो सर। हेलो, हाँ जी विनीत, विनीत तुम कहाँ पे लोकेशन पे सर जॉब सर्च करो पहले बता दो मुझे। ये मैं जॉब नहीं सर्च कर रहा हूँ, मैं भी बिजनेस सेल्फ, बिजनेस की तरफ जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसका ओके रीजन क्या है कि हाँ मैं 2014 में पास आउट हुआ, हम्म, उसके बाद एक मैं 8 महीने जॉब किया, ओके रैमबॉल में जॉब किया, बट उसमें वेस्ट वाटर में जॉब किया था मैंने, ओके करेक्ट एंड देन उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और पूरा छोड़ कर गए, और करेक्ट यूपीएससी में भी मैंने ले लिया ज्योग्राफी, तो सिलेक्शन सिविल इंजीनियरिंग से मेरा पूरा मतलब कनेक्शन छूट करेक्ट गया, लेकिन फिर अब हुआ नहीं उसमें, तो फिर लास्ट अभी कुछ लास्ट जब कोरोना हुआ उसके बाद फिर मैंने फिर से सिविल को थोड़ा खुद से जितना भी हो सकता था पढ़ा, और कुछ आपके वीडियोस ये सब देख करके मुझे ऑटो कैड थोड़ा, ऑटो कैड तो मुझे आता था पहले से, बट स्टैट प्रो किया, ई टाइप तो नहीं कर पाया अभी तक, स्टैट प्रो किया, बट स्टैट प्रो में मैं कोई वो नहीं है अभी, मतलब कर तो लिया बट कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है। और फिर दूसरा बात ये कि फिर मेरे पापा कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ही है, करेक्ट तो
अब मुझे इसी में कंटिन्यू करना है, बट ओके मेरा है कि मुझे अपना एक अपना खुद का कंपनी भी खोलना है ओके जिसमें मुझे ये सब करना है। उसमें डिफिकल्टी क्या है, मेरा एम क्या है एक्चुअली, कि मुझे 6 महीने या फिर जो भी 8 महीने जितना भी वक्त लगता है उसमें मुझे शुरू से लेके एंड तक जो सबमिशन होता है, हाँ क्लाइंट रिक्वायरमेंट होता है, क्लाइंट सबमिशंस जो होते हैं उसको जानना है। तो उसको जानने के लिए मुझे कहीं पर भी कुछ मिल नहीं रहा था, मुझे अभी आपको जैसे मिला। तो मैं मुझे बस यही डाउट है कि इसमें मुझे सबमिशन ड्राइंग्स ये सब कुछ पता चल जाएगा क्या है। और जैसे आपका स्टैट प्रो का मैंने जब कोर्स किया आपके ऐप से, तो सब कुछ पता तो चल गया, बट अंत में जो मेरा जो क्या कहते हैं लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो मैं खुद से उसको डील नहीं कर पाया, प्लस तो में ये ऐसा सब होता है प्रॉब्लम कि है। तुमने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है ये भी पता नहीं चल पाया। हाँ, ये कुछ ये आइडिया ही नहीं है, मतलब क्या। अच्छा अच्छा जैसे कि मैं पापा को अपना दिखाया, आपका आरसीडीसी करके पापा हाँ को दिखाया कि भाई इतना इतना इसका स्टील आ रहा कॉलम का साइज आ रहा है और इतना स्टील आ रहा है, तो बोल रहे कि इतना तो लगता ही नहीं है, ये कैसे आ गया। तो मुझे लगा कि क्या क्या करेक्ट गलती किया मैं, तो यहाँ प्रॉब्लम है, ओके। तो देखो ये इसी सी होता है को ब्रिज करना है। ओके ग्रेट। तो देखो इसमें ऐसा इसे बहुत सही चीज़ बोला इन्होंने कि हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को ओरिएंट करना पड़ेगा। मतलब इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल जो चीज़ें हो रही हैं और जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है दोनों को कंपैरिजन करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम क्लास में करने वाले हम लोग, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने टॉपिक्स बताया और ये डेफिनेटली इस पर हम लोग वर्क भी करेंगे। चलेगा, और कुछ पूछना है विनीत तुमको? और जैसे कि मुझे थोड़ा सा डाउट था जो व्हाट्सएप पे मैं पूछ रहा था आपको, हाँ बोलो ना, बोल दो, वो कोई दिक्कत नहीं, फी के बोलो। रिगार्डिंग, नहीं वो फी की रिगार्डिंग अभी मत 5,000 पूछ, या पे फी की फाइव रिगार्डिंग थाउजेंड कोई या फिर 20,000 क्या था एक्चुअली फी। उसमें ऐसा था इधर। अच्छा तुम अभी अभी जो बात कर रहे थे ना मेरे से, मैसेज कर रहे थे ना सर क्लास के जस्ट पहले ना, क्लास के पहले हेलो तुम क्लास के पहले मैंने मैसेज कर रहे थे हेलो, ना। हाँ विनीत बोलो ना, हेलो आवाज नहीं आ रही इसकी। ओके चलो कोई हेलो बात। हाँ विनीत बोलो ना, मैं उसके रिगार्डिंग तुमको कॉल कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं भी क्लास के बाद रिप्लाई करता हूँ, मैं क्लास के बाद हेलो तुमको बता देता हूँ। सर, कॉल आ गया था आपका, एक भी बात ओके मैं सुन नहीं पाया, मैं क्लास के बाद आप बता हाँ देना मुझे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है ठीक है चलो ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर अभी हमारे साथ अमन जुड़े हुए, अमन और अनिल बचे हुए हैं। अमन से पहले कर लेते हैं, अनिल से। हाँ अमन बताओ। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अमन, सर तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? मेरा 15 में है सर पास आउट, 15 में बीटेक किया तो मैंने। बीटेक। उसके बाद काम क्या किस पे जी किया है? सर, तो एक्चुअली में सर ज्यादातर टाइम मेरे 2-3 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में गए थे। शुरू करेक्ट में गेट की प्रिपरेशन की थी सर, गेट को क्वालिफाई किया, उसके बाद सीजीएल की। हाँ तो बीच में सर 6 महीने साइट पे जॉब की थी बीटेक करने के 2 साल बाद। और उसके बाद सर फिर मैंने रैबिट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर सीखा, उसके बाद 1 साल उसमें जॉब की ओके आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर्स में। तो हाँ, ओके इस तरह से सर लगभग 1.5 साल एक्सपीरियंस हो गया था वहां तक। फिर जब सर कोरोना आया 19 में, तो वो क्लाइंट चले गए कंपनी में, सेम कंपनी में ही रहा मैं ओके वर्चुअल एम्प्लॉय में, हाँ लेकिन उन्होंने मुझे सर अरोरा डिपार्टमेंट उसमें डाल दिया, सोलर डिजाइनिंग के डिपार्टमेंट में, जो ओके अरोरा ओके सॉफ्टवेयर होता है। हाँ हाँ पता नहीं। तो अब मैं 3 साल से सर उसी में ही हूँ, तो एक्चुअली में रेलेवेंट एक्सपीरियंस बहुत कम है बहुत पूरे कम है। स्पेन में, 1.5 साल का है सिर्फ। आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर की नॉलेज ठीक है, 1 साल क्योंकि अच्छा काम किया था उस पर फॉरेन का, तो बस यही है सर। अब मैं ओके स्ट्रक्चर में कैरियर बनाना चाह रहा हूँ और बैंक को भी इसका साथ में रखना चाह इसका मैं रहा तुमको टेकनिक बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है, और हो जाएगा ये, मुझे समझ आ गया, ठीक है। अनिल हूँ। जी सर, चलेगा, और कुछ ठीक पूछना है क्या तुमको मुझसे, मेरे से कुछ पूछना है? सर। बस मैं एक ये डाउट था सर, ये हमारा जैसे लाइव लेक्चर है और जैसे एक वीडियो कोर्स होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा सर ठीक है। हमारा मेनली। देखो तुमने वीडियो लेक्चर पहले इसमें देखो हमारा कैसे रहता है, हमारा 1.5 घंटे हाँ का सेशन होगा ये पूरा, ठीक है। इस जी 1.5 घंटे में जो फर्स्ट हाफ आवर होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या होगा, तुमको असाइनमेंट्स दिया जाएगा और तुमसे असाइनमेंट तुम्हारा चेक किया जाएगा डेली, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इससे क्या होगा, ठीक है, इससे तुम्हें तो असाइनमेंट डेली करोगे प्लस असाइनमेंट में गलत क्या कर रहे हो वही चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो गया फर्स्ट हाफ आवर,
ठीक है। जी नेक्स्ट हाफ आवर क्या होगा, नेक्स्ट हाफ आवर में जो लोग आप जैसे आपकी प्रोफाइल से इनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे पास पूरा इंडेक्स होता है, इंडेक्स इन द सेंस कि हम ये बनाते हैं कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट ये है, इसको पूरा मैच करते हुए एक इंडेक्स बनाते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए हमको, ठीक है। जी तो उन सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करके एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी जैसे तुम्हारा अगर तुमने डेफिनेट पास आउट तुम 15 के हुए हो, तुम्हारा एसएफडी बीएमडी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया होगा, डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो खत्म हो गया होगा, जी आईएस कोड ऊपर से गया होगा, तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे अपने इंडेक्स के अंदर डाल देंगे, जी ठीक है। और मतलब नेक्स्ट जो आधा घंटा है वो इसी इसी में कवर होगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आधा घंटा होगा, उस आधे घंटे में आपको ठीक जो वीडियो कोर्स दिया रहूंगा कि आज आपको ये पढ़ना है लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2, उस लेक्चर्स के मतलब जो भी आप पढ़े रहोगे जी उसमें से क्या बोलते हैं, देखो अभी किसी ने अभी एंट्री किया है तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर आप क्लास में लेट आते हो तो मैं एंट्री नहीं देता हूँ, इनको डिनाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आपको उसका क्या करना है कि नेक्स्ट हाफ आवर में जो वीडियो पढ़ा उसमें जो डाउट आया वो आपको क्रिएट करके आना है, या फिर जो प्रोजेक्ट किया उसमें कुछ डाउट आ रहा है उसको पूछना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ठीक है स्ट्रक्चर, सर। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है ना, हेलो स्ट्रक्चर के अंदर मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कर रहे हैं कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि पता नहीं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं ना, राइट राइट ठीक है। तो ये चीज डॉटेड यहाँ पर सर, लोगों मिलेगा, ठीक है, चलेगा। ठीक है सर, ओके थैंक यू। ओके अनिल, अनिल हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम दूसरे वाले बैच में कुछ कर रहे हो कि नहीं, जॉब उस क्लास वगैरह किए थे कि नहीं, वे कोशिश किए नहीं थे तुम ना, वो स्टार्ट पर मैं एक दो तीन क्लास किया था सर, हाँ उसके बाद ज्वाइन तुमने नहीं किया, किया था, उसमें मैं सोचा कि जो रेगुलर बैच शुरू होगा ऑटो कैट से ही शुरू करेंगे बोल के चुप हो गए सर। करेक्ट, लेकिन अब ये मत सोचना कि जो अगली वाली होगी उसमें करेंगे। नहीं सर, तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? मेरा 2019 है सर। ओके अभी मैं 1-1.5 साल से कॉन्ट्रैक्टर के पास में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में अभी काम कर रहा हूँ ओके जी। खास टेक्निकल नॉलेज इतना नहीं है सर, इसलिए गुरुकुल चलो पे आया था। ओके ग्रेट। कुछ मेरे से पूछना है? वैसे तुम पूछ लियो काफी कुछ मेरे से फोन पे, लेकिन कुछ और पूछना है तो पूछ लो। नहीं सर अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है, ओके वही जॉब पे जा रहा हूँ सर अभी, वही थोड़ा टाइम का ओके मैनेजमेंट थोड़ा मैं कर लूंगा सर। ठीक है, टाइम का थोड़ा सा कर लो, क्या थोड़ा सा ऐसा हाँ करना सर, कि मतलब मैं भी हेल्प करूंगा ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे तरफ से देखो कभी भी पूरी हेल्प मिलेगी, पूरे गुरु मतलब 4 महीने भी नहीं, इन फ्यूचर भी हमको पूरा है, मैं तो हेल्प ही करता हूँ आप सबको पता है, तो ऐसा तो हम लोग का चलता रहेगा, बट हाँ थोड़ा सा कैसे एक कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगा, ठीक। तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, अगर कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया ना तो गुरुकुल को ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, और फिर मजा ही नहीं पाओगे आप एक्चुअली में। जो क्लास का जो सबसे कह सकते हो ना यूएसपी जो है वो इसका यही है कि कंसिस्टेंसी बन जाती है इससे। किसी से मैंने बात नहीं किया तो बता देना, वैसे तो ऐसा कोई रहेगा नहीं। अभी अभी फिलहाल मैं तो बैंगलोर में रहता हूँ सर, ओके जो जॉब प्रेफरेंस भी हो जो बैंगलोर में करना अच्छा, तो बैंगलोर के लिए यू लुकिंग फॉर बैंगलोर ना, हाँ ठीक सर। ओके चलेगा। देखो लोकेशन हम लोकेशन बहुत कम आपको सजेस्ट करेंगे, हम सजेस्ट करेंगे कि इस लोकेशन में सर्च कैसे करना है, ठीक है ठीक है सर, ओके ओके चलेगा। सर, ओके चलो, तो हमने लगभग लगभग एक आइडिया ले लिया कि हमारे जो ग्रुप है उस ग्रुप में हम लोग कैसे कैसे, अभी हम लोग यही क्या बोलते हैं का वीडियोस है या एनीथिंग एल्स, यस वीडियोस है उसका, मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। हमने एक आइडिया ले लिया कि एग्जैक्टली हमारे बैच में कैसे कैसे लोग हैं, तो उस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना है जिनको थोड़ा बहुत आता है उनको ये नहीं सोचना है कि यार मुझे तो ये चीज़ आता है ठीक है तो इसमें हम क्यों टाइम लगा, नहीं, क्योंकि हम सभी एक हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिक से चलेंगे हम, क्योंकि मैं और आप सब सिविल इंजीनियर हैं, हमें पता है कि बिना फाउंडेशन के कभी भी कोई बिल्डिंग्स अच्छी बनी नहीं सकती है। आपकी थोड़ी बहुत फाउंडेशन अगर बनी है तो उसको और मजबूत करने की नीड है, ठीक है। इसलिए हम लोग उस पर पहले वर्क करेंगे ऑटो कैट पे, फिर स्टैट पे, फिर धीरे धीरे आगे हम लोग आगे को प्रोसेस बताता जाऊंगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं मेरे साथ ओके ओके हाँ अजय, करेक्ट करेक्ट, अजय अपना माइक ऑन कर लेना, अब और कोई है तो प्लीज कमेंट कर सर, देना। हाँ अजय बोला ना, अजय तुम्हारा सर मैं 2019 में पास आउट हूँ, 19 में, ओके ठीक है, ओके। तो और उसके बाद 2-3 महीने साइट पर जॉब की है, ओके और हाँ जी अभी मास्टर्स करने वाला हूँ मैं 2023 से दिल्ली, 2021, ओके। अजय तुम कहाँ से हो? हिमाचल से। हाँ हिमाचल से हो, तो तुम तो दिल्ली में या फिर चंडीगढ़ में जॉब सर्च करोगे जी ना, ठीक है। तो सर मास्टर्स मैं फॉरेन से करने वाला हूँ, कनाडा से ना। कनाडा से करने वाले हो क्या? तो क्या आईलेट्स वगैरह का एग्जाम दोगे? हाँ जी आईलेट्स हो गई है, ऑफर लेटर भी आ गया है यूनिवर्सिटी से। हाँ
अच्छा ऑफर लेटर कौन सी यूनिवर्सिटी से है? यूनिवर्सिटी ऑफ बेस सर। ये तो कनाडा में से है ना? हाँ जी हाँ चलेगा। तो अभी तुम केवल अपना टेक्निकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, राइट? हाँ जी हाँ जी ओके चलेगा ठीक है। अब तुम्हें कुछ मेरे से पूछना है? नहीं सर नहीं। ओके चलेगा ठीक है। बस ये हमारा क्लास नहीं था, हम सबने क्या किया एक दूसरे को जाना समझा, और आप लोग को भी समझ आया होगा अच्छा ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। हम लोग चलेंगे बेसिक्स से, जैसे मैंने पहले बता दिया अभी बता रहा हूँ। बस इतना ध्यान देना है कि हमें कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना है, ठीक है? मैं आपको प्रॉपर रिलैक्स दूंगा, ये मत सोचना कि डेली काम कराऊंगा, नहीं। लेकिन आपको ये फील होना चाहिए कि हम ऑफिस के अंदर जाएंगे, ऑलरेडी कुछ लोग जानते हैं ऑफिस का काम कितना हेक्टिक होता है, तो ऑफिस के अंदर जाऊंगा तो फिर मुझे कितने कितने मेहनत करने पड़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है जानना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है। आज इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि कल से आपको यूज में आएगा सॉफ्टवेयर। तो चलिए दिखाते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, सो दैट कि यू कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा सॉफ्टवेयर इस तरीके से यूज कर पाएंगे, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे शिप पे आ गए हो, मेरी जहाज पे आ गए हो। अब मेरा काम है तुमको उस जहाज से उस छोर तक पहुंचाना जहां पर तुम्हें पहुंचना है, और गारंटी मैं देता हूं कि पहुंचा दूंगा। बट गलती ये नहीं करना है कि तुम नाव से बीच में कूद जाओ, ठीक है? या फिर वो लोग अरे यार बहुत दूर गए थक गए अब आराम कर लेते हैं, ये नहीं करना है। सिर्फ बैठे रहो, जो काम दे रहा हूँ बस करते जाओ। मेरा एक्सपीरियंस ये इतना है कि मैं आपको उतना बना सकता हूँ कि जितना एक 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस जो लड़का रहेगा उसको जितना नॉलेज रहेगा, स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस नॉलेज जो रहेगा उससे उसके इक्विवेलेंट आपका नॉलेज रहेगा। मतलब कम से कम 2 से 3 साल का जो काम किया होगा स्ट्रक्चर में, वो तुम्हारे साथ में बैठेगा तो उसको रियलाइज होगा कि तुमको उससे ज्यादा आता है, मतलब तुमको उससे ज्यादा आता रहेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, रेगुलर कंसिस्टेंसी से मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे फुल एंजॉय करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद भी बहुत रिलैक्स होकर काम करता हूँ, बट ज्यादा काम करता हूँ, मतलब वीक में एक बार फ्रेशनेस होना है, उसके बाद फिर से काम ढेर सारा करना है, ठीक है? तो ऐसा करोगे तो बेस्ट रहेगा। आपको बता देता हूँ सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, और क्या बोलते हैं कल से टाइम पर हम सबको आना है। मैं अभी ऐप का लिंक दे दूंगा आपको, कैसे सॉरी ऐप में कैसे ज्वाइन होना उसका एक छोटा सा वीडियो दे दूंगा, फटाफट ज्वाइन हो जाना। जो नहीं हो पाओगे मुझे मैसेज कर देना, मैं अपने तरफ से ऐड कर दूंगा, उतना कोई बड़ी डील नहीं है। बट सबको आज हो जाना है जिससे कल मॉर्निंग में हम लोग का बैच हो सके, ठीक है? तो देखो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार जस्ट मुझे इन्फॉर्म कर देना कि क्या बोलते हैं मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं आप लोग को। राजू मुझे बताओ तुम्हारे मुझे मेरी स्क्रीन दिख रही है? राजू यस सर यस सर। ओके चलेगा, बस हो गया, माइक बंद कर दो। आपको क्या करना है, सभी को क्या करना है, ये मैं लिंक शेयर करूंगा, www.getintopc.com पे जाना है, ठीक है? और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर ऑटो कैड लेना है। ऑटो कैड का 2020 कर सकते हो, 2018 भी कर सकते हो, ठीक है? दोनों में से कोई भी वर्जन करोगे मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन 2016 भी कर सकते हो, आप कोई भी वर्जन लेना। बस यहाँ पर मान लो कि तुमने 18 किया, ठीक है? बट फाइल जो सेव करके मुझे भेजोगे आप लोअर वर्जन में भेजोगे, ठीक है? तो मैं वो बता दूंगा कल क्लास में कि कैसे करना है। तो मान लो तुम्हें 18 करना है, ठीक है? 20 तो सबको पता होगा, 18 के सॉरी लिए सर बट हाँ स्क्रीन नहीं बोलो। दिख रहा। ओके, इसीलिए मैंने पूछा था कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, थैंक यू इन्फॉर्म करने के लिए। अभी फिर से मैं विंडोज करता हूँ, कभी कभी आजकल गूगल मीट में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। अभी बता दो अभी दिख रही है क्या? अभी मुझे इन्फॉर्म कर दो दिख रही है कि नहीं स्क्रीन। यस सर देखिए ओके गुड, तो यहाँ पर आना है अपने को, इस वेबसाइट पर फिर से बता देता हूँ, www.getintopc.com पे जाना है। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर सर्च बॉक्स रखा हुआ है, इस सर्च बॉक्स में आपके सारे वर्जन रहे हैं, मतलब कि हर अवेलेबल है रेविट ऑटो कैड के, तो इसमें से आप कोई भी वर्जन ले सकते हो। मैंने 18 करना है, 20 करना है, कुछ भी करो, ठीक है? मुझे किसी वर्जन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हायर ना लोअर, लेकिन क्या बोलते हैं जो अच्छे वर्जन है वो 18 है, 16 है और 20 है, जो मैं यूज करता हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। तो मान लो जो 18 करना है मुझे, ये किया हमने, और 18 करने के बाद जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखो 18 हमने सर्च किया, 18 का ये वर्जन आ जाएगा, ऐसे ही 20 सर्च करोगे 20 का आ जाएगा, जस्ट इस पर क्लिक करना है, ठीक है? और क्लिक करने के बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ लोग के पास होगा पर जिसके पास नहीं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर डाउनलोड्स पे क्लिक कर देना, कहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा सा वेट करना आराम से, और सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर होने लगेगा। इन केस किसी को कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे क्या बोलते हैं ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो और डीएम भी कर सकते हो, ठीक है? देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगा,
ऐसे अब कई लोगों के पास नेट का प्रॉब्लम होगा तो कुछ 15-20 रुपए के एक्स्ट्रा रिचार्ज आते हैं ना, 25 रुपए के, 30 रुपए के जो भी आते हैं, उनको कर लेना, तो आपका क्या होगा कि ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके बाद क्या करना, ये होने देना, यहाँ पर हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर ऑन कर लेना, चला लेना। यहाँ पर देखो लिखा हुआ वीडियो गाइड, ठीक है, इसमें पूरा स्टेप दिया हुआ है कि कैसे करना है इंस्टॉल इस सॉफ्टवेयर को, 2020 का भी दे रखा है, इसका भी कर रखा है, ऐसे इसको भी डाउनलोड कर लेना है, इसको भी क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इट विल टेक अ टाइम, तो वेट करना है आपको। अब देखो अभी यहाँ पर वीडियो आ जाएगा, फिर जब नेट इंस्टॉल, जब आपको क्या बोलते हैं ऑन करने है, सब कुछ मतलब डाउनलोड हो गया तुम्हारा वीडियो वगैरह, तो उसके बाद यहाँ से एंटीवायरस को ऑफ कर देना है, ठीक है, एंटीवायरस को ऑफ कर देना है, जो भी आपका एंटीवायरस रहेगा क्विक हील वगैरह वगैरह ऑफ कर देना है, इंटरनेट को ऑफ कर देना है, इंटरनेट को ऑफ कर देना है, एंटीवायरस को ऑफ कर देना है, क्लियर। इसके बाद आपको ये जो मैं सेशन दे रहा हूँ ये रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। इसके बाद यहां जाना, यहां पर विंडोज डिफेंडर ऑफ कर देना, ठीक है, विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग्स इसमें जाना, और यहां पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन आएगा आपको, इस पर जस्ट क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर पूछेगा मैनेज सेटिंग्स, ठीक है, और क्या बोलते हैं यहां पर जस्ट क्लिक करना। यहां से क्लिक करने के बाद ये रियल टाइम को ऑफ कर देना, इसको ऑफ कर देना, इसको ऑफ कर देना, इसको ऑफ कर देना, और ऑफ करने के बाद तब जब तुम चलाओगे तो तुम्हारा प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन का फुल प्रोसेस यहां दिया हुआ है क्रैक तक करने का, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे डाउनलोड करना है, फिर कैसे ये फाइल को सेव करना है, फिर यहाँ पे इंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉलेशन के लिए क्या कोड डालना है, यहाँ पर क्रैक कैसे करना है, ईच एंड एवरी स्टेप्स यहाँ पर दिया हुआ है। इन केस इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो हेडक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्राई करना है, नहीं हुआ तो मुझे मैसेज करना है, लेकिन कब मैसेज करना है, एटलीस्ट 2 से 3 बार ट्राई करना है, ठीक है। तो बस इतना सा ही आपका गाइडलाइन है, क्योंकि देखो क्या होगा कि आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए कि हम मेहनत करके पहले ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तब हम पूछने की कोशिश करेंगे। कभी कैसे होता कि थोड़ा ट्राई किया नहीं हुआ है एक बार में, तो फिर से करो ना, ठीक है, तो इस तरीके से करना है। चलो किसी को कुछ और डाउट है तो पूछो, नहीं तो क्या बोलते हैं हम लोग कल मुलाकात करेंगे, और कल ऐप के ऊपर मुलाकात करेंगे, यूनिक्स सिविल ऐप पर। आपको प्रॉपर मैसेज आएगा ऐप पर, ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा कि ज्वाइन नाउ, बस आप उसको ज्वाइन कर लेना, और होप सो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको ज्वाइन करने में। और उसके बाद ऐड कैसे होना है, मैं अभी उसका एक वीडियो छोटा सा बना के आपको भेजूंगा लगभग 12 बजे के आसपास, ठीक है। चलो विश ऑल द वेरी बेस्ट, इंजॉय करेंगे, ढेर सारा सीखेंगे, और डेफिनेटली साथ मिलकर सीखेंगे, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ यार मैंने, मुझे ये चाहिए कि आप 4 महीने के बाद ना जब निकलो तो आपके अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए कि यार बिल्डिंग को तो मैं ऐसे डिजाइन कर दूंगा, ठीक है, सबमिट करने के लिए बहुत आराम से कर दूंगा। मतलब हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एनालिसिस का, डिजाइन का, मॉडलिंग का, तीनों ही हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं, एनालिसिस भी सीखने वाले हैं, मॉडलिंग भी सीखने वाले हैं, और प्लानिंग भी सीखने वाले हैं। तो ऑल ओवर थिंग्स आप कर लोगे, इसलिए मैं बोलता हूँ इससे आप इन फ्यूचर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, जॉब तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए होप आपने थोड़ा बहुत इंजॉय किया होगा, थोड़ा बहुत देखा होगा कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस किस तरह के लोग हैं, तो मजा होगा सर। हाँ ठीक है, और सबसे लगभग हमारी इंट्रेक्शन भी हो गए, तो हमें पता चल चुका है कि एग्जैक्टली हमें कहाँ कहाँ पर वर्क करना है, तो हमारे इंडेक्स में जो सिलेबस होगा उसी हिसाब से डिजाइन होगा कि सबका भला हो, ठीक है। मतलब बिजनेस करने वाले को बिजनेस भी सीखने को मिल जाए, जॉब करने वाले को जॉब भी मिल जाए, ठीक है। उस हिसाब से हमारे पास पूरा सेट रखा हुआ है, उस हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। बाकी किसी को कुछ डाउट रहेगा तो मुझे एक बार मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, और मैं जैसे फ्री होता हूँ मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, और या फिर आपको कॉल करना रहेगा तो 12 बजे से 2 बजे तक आज मेरा फ्री टाइम है, तो आपको लगे तो आप कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो थैंक यू, एंड आपके देखते हैं क्या होता है, बस इतना याद रखना कंसिस्टेंसी हमें को चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट रूल मुझे बस इतना चाहिए। सर मेरा मॉडल चेक कर दीजिए आप प्लीज। अभी एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाएगी अबू जैन, प्रॉब्लम ये है कि मेरी दूसरी बैच है, तो मैं कल क्या बोलते हैं कल जब क्लास हो जाएगा उसके बाद मैं, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस रहेगा कि आपका चेक हो जाएगा। वो असल में मेरा लाइव प्रोजेक्ट है फैक्ट्री का। ओके कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेफिनेटली कर दूंगा, ठीक है। कैसे है कि अभी जस्ट लेक्चर होने वाला है, मतलब कि दूसरा लेक्चर है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कल हाँ, लेकिन हाँ मैंने एक बार चेक करवा लिया है ऑफिस के लड़के से अपने, लेकिन तब भी एक बार और मुझे व्हाट्सएप किया है ना तुमने? हाँ मैंने व्हाट्सएप किया है आपको। चलेगा, मैं कोशिश करता हूँ कि 12 बजे मुझसे एक बार तुम कॉल कर देना, ठीक है सर। और एक चीज मैं ये कह रहा था कि ई टाइप्स के अंदर स्केलिंग करते हैं, करेक्ट
है ना, तो उसमें जो कंडीशन आती है EQX और EQ आएगी, रिस्पांस स्ट्रक्चर मेथड से करते थे हम लोग काम, तो वो क्या सेम रहना चाहिए उसके अंदर कुछ है ऐसा, EQX और EQY सेम रहे और स्पेक 1 और स्पेक 2 बनाते थे हम उसमें, ओके और उसके हम डिवाइड करके EQX को स्पेक 1 से और 9.81 से मल्टीप्लाई करते थे, करेक्ट। वो स्केल की बात कर रहे हो ना, वो जो रिस्पांस स्ट्रक्चर करते हैं, जी जी जी, तो वो के रिजल्ट सेम आने चाहिए उसके, उसके एक्चुअली उसके रिजल्ट्स का उसमें बेस सीयर को देखना पड़ता है, उसका कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। तो थोड़ा सा रुको, ठीक है, बेस सीयर कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, फिर उसको आईजी वेट 2R से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर स्केल चेंज करते हैं, तो उसका लॉजिक है, ऐसे पूछोगे आधा अधूरा नॉलेज क्लियर नहीं है असल में। हाँ तो मैं करूंगा ना, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ वो तो रखना पड़ेगा, सही बात है, ठीक है, तो मैं करूंगा, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सर, ओके। इसमें भी कैसे है कि इसमें भी अमेरिकन कोड क्या बोलता है, अमेरिकन कोड बोलता है आई जी वाई आर करो, इंडियन कोड बोलता है आई जी वाई 2R करो, तो उसका लॉजिक है पूरा। तो हम लोग डायनेमिक एनालिसिस में आपको बता दूं, हम लोग लगभग 10 दिन केवल डायनेमिक एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, एकदम डीप में, बहुत एंजॉय करोगे, ठीक है, बोर करो, बोर हो जाओगे डायनेमिक में, क्योंकि बहुत टफ होता है वो, तो सभी का हिसाब बोर होता है, लेकिन जब समझ में आया तो इंटरेस्ट भी लगता है। एग्जैक्टली, चलो ठीक है, ओके ठीक है सर, ओके सर, ओके ओके। इन्होंने बोला कि सर आई हैव ऑटोकैड अदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, नहीं अभी क्यों डाउनलोड करना है, सिर्फ और सिर्फ जिस सॉफ्टवेयर को जब पढ़ेंगे तभी करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा करके सॉफ्टवेयर का लोड क्यों डाल रहे हो सिस्टम पे, अभी सिर्फ ऑटोकैड रखो बस, और कोई सॉफ्टवेयर रखने की नीड नहीं है, फिर जब स्टैट सीखेंगे तो ऑटोकैड और स्टैट रखो, एक्स्ट्रा लोड देके समझदारी कुछ भी होगी नहीं, और उसकी नीड भी क्या है, जरूरत नहीं है ना अभी, ठीक है, तो 15 दिन कोई नीड नहीं है, 15 दिन कुछ मत करो, ठीक है, चलो बाकी की चीजों के लिए मैं आपको क्या बोलते हैं कॉल करूंगा, तो जैसे वैसे आप धीरे धीरे करते जाना, ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच।